दही से बना ये सफ़ेद अमृत गर्मी को क्लीन बोल्ड करने के लिए काफ़ी होता है। इसका गाढ़ा मज़ा और मीठा स्वाद इसको भारत की सबसे खास पेय पदार्थों में से एक बनाता है। दुनिया भर में भारत से पहले इसके स्वाद ने एक अलग पहचान बनाई है, तो भारत के लोगों ने लस्सी को ब्रांड बनाने के लिए नए नए उपाय खोज रखे हैं। ऐसे ही लस्सी को खास पहचान दिलाने और ब्रांड बनाने में जबलपुर की बहुचर्चित इच्छाधारी लस्सी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। एक तरफ जहाँ लोग तमाम एडिट पदार्थों वाली कोल्ड ड्रिंक्स और अनेक पेय पदार्थों का सेवन करके शरीर को धोखा दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ समझदार लोग इस सफेद अमृत का सेवन कर शरीर के साथ वफा निभा रहे हैं। तो आइए जानते हैं कौन है ये इच्छाधारी लस्सी जिसने इच्छाधारी नागिन के बाद सबसे ज्यादा नाम कमाया है। दरअसल गर्मियों में डिहाइड्रेशन से बचने के लिए शरीर को ठंडा रखना बहुत जरूरी होता है। यही वजह है कि गर्मी में पेय पदार्थों का सेवन करने की सलाह दी जाती है, जिनमें लस्सी एक अच्छा विकल्प होता है। अगर आप हर दिन एक गिलास लस्सी का सेवन करते हैं तो यह आपके लिए बहुत फायदेमंद रहता है। खासकर दोपहर के वक्त लस्सी पीना बहुत अच्छा माना जाता है। जबलपुर के बस स्टैंड 3 पत्ती में इच्छाधारी लस्सी सेंटर है, जो विगत 40 वर्षों से लोगों की पहली पसंद बना हुआ है। लस्सी सेंटर के संचालक भूपेंद्र सिंह तलवार ने हमें बताया कि मैंने यह इच्छाधारी लस्सी सेंटर 1984 में चालू किया था। तब एक गिलास लस्सी में 2 रुपए की बेचा करता था, फिर 5 रुपए हुआ, फिर 10 रुपए हुआ, ऐसा हर वर्ष बढ़ते बढ़ते आज यह एक गिलास लस्सी की कीमत 30 रुपए हो गई है। लोग जबलपुर संस्कार थाने के आसपास शहर और गांव से लोग यहां पर हमारी लस्सी सेंटर में आते हैं। सुबह से लेकर रात तक यहां पर भीड़ लगी रहती है। हमारे सेंटर में कई प्रकार के फ्लेवर लस्सी भी दी जाती है और हमारे यहां डायबिटीज पेशेंट के लिए डायबिटीज फ्री लस्सी भी हम देते हैं। वहीं जब हमने लस्सी सेंटर के संचालक भूपेंद्र सिंह तलवार से बात किया तो देखिए उन्होंने क्या कहा। भूपेंद्र सिंह तलवार, लस्सी संचालक, 1984 से लस्सी को लेकर जबलपुर में। लस्सी की शुरुआत मैंने जबलपुर में 2 रुपये गिलास से की थी, उसके पहले 15 पैसे की चाय बेचता था कप प्लेट में। चाय बेचने के बाद मैंने 25 पैसे की, 15 पैसे की आधी, 25 पैसे की, फिर उसके बाद 1984 में लस्सी चालू करी। तो जनता ने हमें प्यार दिया, 2 रुपये से 5 रुपये करी, 10 रुपये करी, आज लस्सी 30 रुपये की है। 40 साल से मैं जबलपुर जनता की सेवा कर रहा हूँ और मेरे पास लस्सी के ऑल फ्लेवर, चॉकलेट, मैंगो, पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरी, केसर, केसर ड्राई फ्रूट, शुगर फ्री, खासकर डायबिटीज वाले शुगर फ्री जो है वो भी अवेलेबल है मेरे पास। और ऐसे ही थिक शेक चार जबलपुर में कहीं नहीं है जो मेरे पास चालू है। थिक शेक के अलावा और भी तरावटदार चीज़ें बहुत सी जो मेरे पास जो है अवेलेबल है। मैं भरपूर कोशिश करता हूँ कि मेरी दुकान से कोई भी कस्टमर, कोई भी ग्राहक वापस ना जाए। वो आया है तो उसको कुछ ना कुछ मैं देकर भेजूँ, मेरा यही रहता है नेचर। और अगले साल से और कैसे बेटर कर दूँगा इसको मैं, वो भी मेरा प्लान रहता है। मैं साल भर यही कोशिश करता हूँ अगले साल से बेटर कैसे करूँगा इसको। तो यहाँ पे लगभग कितने स्टाफ आपके साथ काम कर रहे हैं? 10 से 12 आदमी का स्टाफ मेरे पास आज कम से कम 10 साल से काम कर रहा है। ऐसे ही रोचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।